वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। आप ये देख रहे हैं, ये अलमंडा के फ्लावर हैं और ये देखिए ये इनकी कलियां हैं और ये इस तरह से एक के बाद एक, ये फूल के बाद ये कलियां खिलेंगी, इसके बाद इसके अंदर इस तरह से एक एक फूल खिलते रहेंगे। बरसात में ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग किए हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये फ्लावरिंग हो चुकी है, यहाँ से फ्लावर गिर चुके हैं और ये इसकी कली है, यहाँ से ये फ्लावर गिर चुका है, ये इसकी कली है यहाँ पर। तो ये देखिए और ये आप देखेंगे यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो चुकी है। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद जस्ट यहाँ से नई शाखा निकलती है, नए शूट निकलते हैं, फिर यहाँ पे भी फ्लावरिंग होने लगती है। तो अलमंडा के प्लांट को लगाने के लिए हमें, इसके लिए जो मिट्टी हम जब तैयार करते हैं गमले में लगाने के लिए, जिस भी पॉट में आपको लगाना हो, तो इसे थोड़े बड़े पॉट में लगाइए, इसे छोटे पॉट में मत लगाइए। एक तो ये बेलनुमा इसका प्लांट होता है और इसे थोड़े हम जब बड़े पॉट में लगाएंगे, ये आप देखिए मेरे अलमंडा के साथ में मैंने अपने ये गुलदावती को भी लगा रखा है और ये काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ कर रही हैं। और ये देखिए ये मेरे इस समय मेरे अलमंडा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि बरसात का सीजन है तो ये हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये इसकी कलियाँ आ रही है। तो जब भी आप अलमंडा के प्लांट को गमले में लगाएं या किसी भी अपने प्लांट को आप गमले में लगाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए और हल्की सी, अगर आप 50% 60% आप अपने गार्डन की कोई भी आपके यहाँ जो मिट्टी हो वो ले लीजिए। चिकनी और बलुई मिट्टी हो तो आपको बालू मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर चिकनी मिट्टी है आपके यहाँ की तो आपको उसमें थोड़े से बालू मिला लेना पड़ेगा और 20% तक आप बालू मिला लीजिए, अपनी मिट्टी को वेल रन बना लीजिए ताकि हम जब भी गमले में पानी दें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो और हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहे। और उसमें खाद की बात कर लें फ्रेंड, तो आपके पास जो खाद हो, आपके यहाँ बर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, काऊ डंग, जो भी आपको मिले आप वो अपनी खाद, बत्तियों की सड़ी हुई खाद, जो भी खाद आपको मिले वो अपने प्लांट में आप दे सकते हैं। इसे एक्स्ट्रा कोई खाद, मतलब जैसे नहीं कि नहीं पर्पल यही खाद चाहिए, ये खाद नहीं मिलेगी तो ये प्लांट नहीं लगेगा। आपके पास जो खाद हो वो खाद मिला के आप अपने प्लांट को उसमें लगा दीजिए, उस मिट्टी में। और ये समर में खिलने वाले फूल होते हैं, गर्मियों में अच्छे से ये खिलते हैं और ये नवंबर तक आराम से खिलते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिक की सहायता से इसे मैंने इस तरह सपोर्ट दिया हुआ, ये बेलनुमा होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ और इसे ठंडी में थोड़ा बचा के रखना होता है, ये ठंडी में सर्वाइव नहीं करता है तो इसे हमें ठंडी में बचा के रखना होता है। बाकी ये सालों साल चलने वाला ये आपका प्लांट है, आप इसे अपने बगीचे में ऐड कर सकते हैं, गर्मियों में इससे अच्छे से फूल पा सकते हैं। फरवरी मार्च में आप इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, फिर इसमें नई पत्तियाँ आने लगती, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से फिर ये मार्च अप्रैल से ये आपको फ्लावरिंग, इसमें कलियाँ धीरे धीरे बनने लगती हैं और ये आपको ये इस तरह से ये आपको फ्लावरिंग देने लगता है। केयर इस तरह कर सकते हैं और इसमें कोई भी कीड़े, तो अभी मेरे प्लांट में ये 2 साल के हो गए मेरे प्लांट, अगली बार मुझे 10-15 ही फूल मिले थे, इस बार मुझे भर भर के फूल मिले हैं तो मैंने काउंट नहीं किया। कभी कभी 3-3 4-4 फूल खिल जाते थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं इस समय थोड़ी वीडियो बना रही हूँ कि देखिए आप भी अपने अलमंडा की इस तरह केयर करके और ढेर सारे आप भी इस सुंदर सुंदर फूल पा सकते हैं। इसके फूल कई कलर में आते हैं, ये मेरे पास हाइब्रिड वाला है, येलो ऑरेंज इस तरह से, पिंक में भी आते हैं, इस तरह से कलर में इसके प्लांट आपको मिल जाएंगे। और ये बेलनुमा होती है तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसे कटिंग करके आप अपने टेरेस गार्डन पे इसे लगा सकते हैं।
और पानी की बात करें तो इसमें गर्मियों में बराबर पानी चाहिए, दोनों टाइम पानी देना होता है। जाड़े में इसे हमें पानी बचा के थोड़ी शेडी एरिया में रखना होता है, जहाँ धूप हो ज़्यादा, ठंड सीधी हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो इसे सीधे कोहरे में नहीं रखना होता, इसके प्लांट की पत्तियाँ सारी जल जाती हैं, तो इसे इस तरह बचाना होता है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और मैं अपने प्लांट में अक्सर लिक्विड खाद देती रहती हूँ, जो भी खाद मैं सभी प्लांट को देती हूँ, किसी को ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉपर ये खाद देना और ये नहीं। जब मैं खाद बनाती हूँ, लिक्विड खाद तैयार करती हूँ, तो अपने सभी प्लांट को मैं वो लिक्विड खाद देती रहती हूँ। तो ये एक इनके खाद की बात हो गई है। और इस समय बरसात में इनकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी होती है, इस तरह से ये काफ़ी हेल्दी और शाइनी, इनके पत्ते भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, देखिए इस तरह से इसमें ये कलियाँ आ रही हैं। इस तरह से ये आपको भर भर के ये फूल देते रहेंगे। और इनके थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए, खाद दे दीजिए, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे इसमें थोड़ी सी बहुत कीड़े लग रहे हैं तो पत्तियों को उबाल के उनके पानी से स्प्रे कर दीजिए या नीम ऑयल से स्प्रे कर दीजिए। एक कली आने के बाद इसके जस्ट बगल से देखिए इस ब्रांच में यहाँ ये फ्लावरिंग हो रही है, तो इस ब्रांच के जस्ट बगल से आप ये देखेंगे, ये तीन जगह से इसकी, ये देखिए एक ये और एक ये और ये के तीन ब्रांचेस इसकी एक्स्ट्रा यहाँ से निकल के तैयार हो रही है। तो ये अपने आप ही खुद ही अपनी ब्रांच को डिवाइड करके बढ़ाने लगता है। और ये आप देखेंगे इसमें भी यही हाल है। अभी यहाँ देखिए ये एक ब्रांच आ गई, यहाँ से कलिया, यहाँ फ्लावरिंग हो चुकी है, एक स्ट्रिक निकल चुकी है और यहाँ से ये ब्रांच फिर तैयार हो गई है। और जस्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये फ्लावरिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे न्यू ब्रांच आ रही है, फिर यहाँ पे भी कलियाँ तैयार होने लगेंगी और यहाँ पे भी फूल आने लग जाएंगे। और आप ये देखेंगे यहाँ से फ्लावरिंग ख़त्म हो गई, यहाँ से फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, तो ये एक यहाँ से एक नई शूट निकल गई है और एक यहाँ से, अब इसके अंदर भी कलियाँ बनेंगी और फिर फूल आएंगे। तो जब मैंने इसे ख़रीदा था तो ये सिर्फ मेरे पास एक ब्रांच थी, उसके बाद ये देखिए यहाँ से और यहाँ से काफ़ी इसमें ये ढेर सारे इसकी ये ब्रांचेस इस तरह से हो गई हैं। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए इसके ऊपर ये मक्खियाँ आ रही हैं, तो ये बर्ड्स को भी अपने पास आकर्षित करता है, खींचता है। और इतना ये सुंदर इसके फूल होते हैं कि आप देखेंगे तो आपको भी ये अपने पास इस तरह से आकर्षित करेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये रोज़ इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, देखिए ये कलियाँ थी, ये रोज़ यहाँ फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये भी देखिए। और ये तो ये आप देख ही रहे हैं इनकी फ्लावरिंग उसी तरह से, अभी तक ये फ्लावरिंग इनकी चल रही है। ये पूरा प्लांट मेरा फूलों से इस समय ये भरा हुआ है और इसमें ये देखिए नई नई कलियाँ भी बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। और मैं जो पुराने फूल होते हैं इनको मैं इस तरह से कट करके हटा देती हूँ। और ये देखिए इतने फूल खिले, बरसात की वजह से सारे फूल भी इसके ये मुरझा गए हैं, इसके अंदर भी काफ़ी फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए अपराजिता का, ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। गेंदे की भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, बरसात हो रही है फिर भी इसके फ्लावर देखिए और कलियाँ भी बन रही हैं। और ये देखिए ये मेरे हार सिंगार का प्लांट है।